हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजनजी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1982 में आई अमेरिकन हॉरर कॉमेडी एंथोलॉजी फिल्म क्रीप शो। ये आज तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है। आप कहीं भी देख लो, ये आपको नंबर वन पर ही मिलेगी। और इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला ये है कि इसे डायरेक्ट किया है जॉर्ज रोमेरो ने, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ज़ॉम्बीज भी कहा जाता है। साथ इसके राइटर है स्टीफन किंग, जिन्हें सब जानते ही हैं, और ये उनकी डेब्यू मूवी थी एज अ स्क्रीन राइटर। यही वो फिल्म है जो हॉरर एंथोलॉजी को मेनस्ट्रीम में लेकर आई थी। इतने बड़े नाम जुड़े होने की वजह से लोग इसे देखने गए और लोगों को एंथोलॉजी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद भी आया। इस मूवी पे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, जिन्हें मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आप उन्हें समझ नहीं पाते तो इस वीडियो के बाद आप उन्हें अच्छी तरह समझने लगोगे। और जो लोग इंस्टा पर कनेक्टेड नहीं है वो भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये मूवी हैविली इंस्पायर्ड है टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट कॉमिक बुक से, और इसे बिल्कुल कॉमिक बुक्स की तरह बनाया गया है। स्पेशल इफेक्ट से लेकर प्रेजेंटेशन तक सब कुछ बिल्कुल कॉमिक बुक स्टाइल है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसके सीक्वल्स और टीवी शो के बारे में भी डिटेल दूंगा, और इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं स्टैन नाम के आदमी को, जो कि अपने बेटे बिली को डांट रहा था क्योंकि उसने बिली को एक हॉरर कॉमिक पढ़ते हुए पकड़ लिया था, और उस कॉमिक का नाम है क्रीप शो। अब ये बिल्कुल रियलिटी दिखाई जा रही है। किसी टाइम पर सब हॉरर कॉमिक्स के अगेंस्ट थे, कोई नहीं चाहता था कि उनके बच्चे ये सब पढ़े। स्टैन भी उन्हीं में से एक है। वो बिली के कॉमिक को बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। अब बिली, जो कि अभी से एक हॉरर फ्रीक था, वो इस सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये बच्चा अभी से हॉरर में कैसे घुस गया, तो ये बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि स्टीफन किंग का बेटा है। और स्टीफन किंग का बेटा हॉरर में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो क्या बारबी डॉल्स में लेगा? वो गुस्से में विश करता है कि उसके फादर हेल में सड़ेंगे। उसके कहने की ही देर थी कि तभी उसे विंडो पर कुछ सुनाई देता है। वो देखता है कि विंडो पर एक क्रीप खड़ा था। ये क्रीप ही उस कॉमिक का होस्ट है, और वो हमें उस कॉमिक तक लेकर जाता है। अब हम इस कॉमिक की टेल्स देखने वाले हैं। पहली टेल का नाम है फादर्स डे। 1979 में फादर्स डे के दिन सिल्विया, उसका बेटा रिचर्ड, उसकी बेटी कैस और कैस का हस्बैंड हैंक अपने एनुअल फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनकी फैमिली अभी पूरी नहीं हुई थी। वो सब आंट बिडिलिया का वेट कर रहे थे। बिडिलिया सिल्विया की आंट है, और उसका नाम थोड़ा खराब भी है, क्योंकि 7 साल पहले उसने अपने फादर का मर्डर किया था। बिडिलिया के फादर का नाम था नेथन ग्रैंथम, और वो बहुत ही बुरा आदमी था। अपने टाइम में उसने सारे इलीगल काम किए थे, जिनकी वजह से आज सिल्विया की फैमिली इतनी अमीर है। नेथन बहुत ज्यादा क्रूल था, उसने कभी बिडिलिया को शादी नहीं करने दी। बिडिलिया एक आदमी से प्यार करती थी, लेकिन नेथन ने उसे भी मार दिया। वो चाहता था कि बिडिलिया सिर्फ उसी की सेवा में लगी रहे, और बिडिलिया उसके टॉर्चर से ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी। फादर्स डे के दिन नेथन चिल्ला चिल्ला कर अपना केक मांग रहा था। बिडिलिया केक तैयार कर रही थी, लेकिन नेथन के चीखने चिल्लाने की वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में भर जाती है कि एक एस्ट्रे उठाकर वो उसके सर में दे मारती है, जिससे वो मर जाता है। उस दिन से हर फादर्स डे पर बिडिलिया अपने घर वापस आकर नेथन की कब्र पर फूल चढ़ाती है। इसके बाद वो सब फैमिली डिनर करते हैं। इस साल भी वो टाइम से वहां पहुंच जाती है। वो नेथन की कब्र पर फूल चढ़ाती है और वहां बैठकर ड्रिंक करने लगती है। वो नेथन को उसके किए पाप गिनवा रही थी। इसी बीच गलती से उसके हाथ से बॉटल नीचे गिर जाती है और शराब नेथन की कब्र में चली जाती है। तभी कब्र में से एक सड़ा गला कीड़े लगा हुआ हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर सिल्विया के होश उड़ जाते हैं। नेथन अपनी कब्र से बाहर आ रहा था, और बिडिलिया को देखकर वो एक ही सवाल करता है, वेयर इज माय केक बिडिलिया? वो बिडिलिया से केक मांगता है, और केक ना मिलने पर वो उसका गला घोटकर उसे मार देता है। उधर उन सबको बिडिलिया का वेट करते करते रात हो जाती है। हैंक बाहर देखने जाता है और उसे बिडिलिया की कार दिख जाती है। वो सोचता है कि शायद बिडिलिया सेमेटेरी में होगी। वो सेमेटेरी में चेक करने जाता है। वहां से बिडिलिया तो मिल जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, बिडिलिया का डैड उसके ऊपर हेडस्टोन गिराकर उसे क्रश कर देता है। अब केक ढूंढते हुए नेथन घर की तरफ बढ़ने लगता है। घर में वो सब वेट करते करते थक चुके थे। सिल्विया किचन में जाती है अपनी मेड को ढूंढने, लेकिन मेड को उससे पहले नेथन ने ढूंढ लिया था। मेड को मरा देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन उसे घबराने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। नेथन उसकी गर्दन मरोड़ देता है। काफी देर बाद भी जब सिल्विया नहीं लौटती तो कैस और रिचर्ड उसे देखने जाते हैं। वो किचन में जाते हैं, और किचन में एंटर करते ही नेथन उन्हें सरप्राइज देता है। वो उन्हें हैप्पी फादर्स डे विश करता है, और वो खुद भी बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि उसे उसका केक मिल चुका था, केक जो बना था सिल्विया के सर और थोड़ी सी क्रीम से। ये देखकर उन दोनों की सांसें रुक जाती हैं, और सस्पेंस में ही ये टेल एंड हो जाती है। नेथन को कैंडल्स में फूक मारते हुए भी नहीं दिखाया गया। पहली स्टोरी से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि मूवी का नाम क्रीप शो क्यों है, और इस टेल का हैप्पी फादर्स डे वाला मीम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो कि आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी टेल की तरफ, जिसका नाम है द लोनसम डेथ ऑफ जॉर्डी वेरिल। जॉर्डी शहर से दूर अकेला अपने फार्म में रहता था। इस टेल में जॉर्डी का रोल खुद स्टीफन किंग ने प्ले किया है। एक रात उसके फार्म में आसमान से कुछ गिरता है।
वो सोचता है कि वो एक मीटियोराइट है जिसे बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमा सकता है और अपना $200 का लोन भी भर सकता है। एक्साइटमेंट में वो उसे टच कर देता है और वो उसे बहुत ज्यादा गर्म लगता है। उसे ठंडा करने के लिए वो उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल देता है, लेकिन इससे वो बीच में से खुल जाता है और उसमें से एक अजीब सा सब्सटेंस निकलता है जो कि अर्थ में चला जाता है। अब जॉर्डी को बहुत टेंशन हो रही थी, अर्थ की नहीं बल्कि इस बात की कि टूटा हुआ मीटियोर कम डॉलर्स में बिकेगा। फिर भी वो मीटियोर को बाल्टी में डालकर चल देता है। वो ये नहीं देखता कि उससे निकला हुआ सब्सटेंस कुछ रिएक्शन कर रहा था। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि सुबह वो इसे ग्लू से चिपका लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो जाकर आराम से टीवी देखने लगता है और अपनी उंगली को चूसता रहता है क्योंकि वो मीटियोर से जल गई थी। वो इस बात से बेखबर था कि वो अजीब सा सब्सटेंस धरती पर किसी तरह के प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म उगा रहा था जो कि बहुत तेजी से फैल रहे थे और हर एक चीज को अपनी चपेट में ले रहे थे। वो तो आराम से टीवी देख रहा था, लेकिन अचानक वो नोटिस करता है कि उसकी उंगलियों पर कुछ लगा हुआ था। जॉर्डी ने मीटियोर को टच किया था, इसलिए ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर भी ग्रो हो रहा है और सिर्फ ग्रो ही नहीं हो रहा अच्छी तरह फैल भी रहा है। देखते ही देखते वो और भी ज्यादा फैल जाता है। जॉर्डी डॉक्टर के पास जाने से डरता था, इसलिए वो चुपचाप घर पर रहना ही पसंद करता है। वो देखता है कि उसका फॉर्म भी उस ऑर्गेनिज्म की चपेट में आ चुका था। टेंशन में वो वोडका की बॉटल निकालता है और उसे पीकर आराम से सो जाता है। जब वो उठता है तो उसका फेस लगभग कवर हो चुका था और उसे बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में नहाने जाता है। वो बाथटब में जाने ही वाला था कि तभी उसे उसके डैड का भूत दिखाई देता है जो कि उस बेवकूफ को बताता है कि उस प्लांट को पानी ही चाहिए और बाथटब में जाना सुसाइड करने के बराबर होगा। जॉर्डी को एडवाइस पसंद आई थी, लेकिन इचिंग इतनी ज्यादा थी कि वो पानी में जाए बिना नहीं रह पाता और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसकी इतनी ग्रोथ होती है जितनी उसकी पूरी लाइफ में नहीं हुई। उस एलियन प्लांट ने उसे और उसके फार्म को पूरी तरह कवर कर लिया था और उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। जॉर्डी खुद को शूट कर लेता है, लेकिन उसके मरने से उस प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बल्कि टीवी में न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि उस एरिया में भारी बारिश होने वाली है, यानी कि वो प्लांट फैलकर सिटी तक भी पहुंच जाएगा। ये थी स्टीफन किंग की एक और ट्विस्टेड इमेजिनेशन। असल में ह्यूमंस का बहुत कॉमन डर है जिसे हम कई सारी मूवीज में देख चुके हैं कि आसमान से कुछ गिरेगा जो कि हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। इसे मैन इन ब्लैक में भी दिखाया गया है और इस टेल से हमें ये भी पता चलता है कि स्टीफन किंग सच में बहुत अच्छे एक्टर हैं। इसके बाद आती है थर्ड टेल जिसका नाम है समथिंग टू टाइड यू ओवर। हम देखते हैं रिचर्ड विकर्स नाम के आदमी को जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। रिचर्ड हैरी नाम के आदमी के घर जाता है क्योंकि हैरी का अफेयर रिचर्ड की वाइफ रेबेका के साथ चल रहा था। रिचर्ड उसे कहता है कि उसने रेबेका को कैद किया हुआ है और वो उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाला है और अगर वो जानना चाहता है कि रेबेका कहाँ है तो उसे चुपचाप उसके साथ चलना होगा। हैरी को रेबेका की जान बचानी थी इसलिए वो राजी हो जाता है। रिचर्ड उसे ले जाता है अपनी बीच प्रॉपर्टी पर जो कि पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा दूर थी। वो उसे बीच पर ले जाता है जहाँ उसने किसी का ब्यूरल किया हुआ था। हैरी सोचता है कि उसने रेबेका को मारकर वहां दबा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वहां हैरी के लिए ही गड्ढा खोद रखा था और गन पॉइंट पर वो उसे उस गड्ढे में दबा देता है। सिर्फ उसका सर बाहर था, वो उसे पूरा भी दबा सकता था, लेकिन उसके कुछ प्लान्स थे। वो अपने बीच हाउस से वहां तक वायर लाता है और हैरी के सामने टीवी ऑन करता है जिसमें उसकी वाइफ की लाइव फुटेज चल रही थी। उसने उसका भी सेम वही हाल किया हुआ था। वो उन दोनों को पनिशमेंट दे रहा था जो कि स्लो डेथ थी। वो उन्हें पानी की लहरों की मदद से मारना चाहता था और ये एक फुल प्रूफ प्लान था। हैरी को मां छोड़कर वो अपने बीच हाउस में चला जाता है और कैमरास की मदद से उन दोनों पर नजर रखता है क्योंकि वो उन्हें मरते हुए देखना चाहता था और उसकी ये इच्छा पूरी भी हो जाती है। अगले दिन वो फिर से वहीं जाता है जहां उसने हैरी को दबाया था, लेकिन वहां से हैरी की बॉडी नहीं मिलती। खैर वो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसे सीरियसली लेना चाहिए था। रात को जब वो आराम से अपने घर में बैठा था तो कुछ अजीब होता है। उसके घर का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आ जाता है। वो हैरी और रेबेका की लाशें थी जो कि बुरी तरह पानी से गली हुई थी और सीवीड से कवर थी। उन्हें देखकर रिचर्ड जरा भी नहीं घबराता। वो उन्हें शूट करता है, लेकिन वो तो ऑलरेडी डेड थे और अब वो रिचर्ड को मारना चाहते थे बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मरे थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी बीच पर ले जाकर दफना देते हैं। दो लाशों को चलता हुआ देखकर उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है और यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। इतना हॉरिफाइंग क्राइम करके वो खुद कैसे बच सकता था। अगली स्टोरी का नाम है द क्रेट। हम देखते हैं कॉलेज जनरेटर माइक को जिसके हाथ से एक सिक्का नीचे गिर जाता है। उस सिक्के को ढूंढते हुए उसे स्टेयरकेस के नीचे एक वुडन क्रेट छुपी हुई मिलती है जिसके ऊपर आर्टी एक्सपेडिशन June 19, 1834 लिखा था। ये बात वो एक कॉलेज प्रोफेसर डेक्सटर स्टैनली को बताता है। डेक्सटर अपने कलीग हेनरी नॉर्थअप के घर पार्टी में था, लेकिन ये खबर सुनते ही वो जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो कॉलेज पहुंचता है और माइक के साथ मिलकर वो उस क्रेट को बाहर निकाल लेता है। उस क्रेट को उठाते वक्त माइक को लगता है जैसे उसके अंदर कोई लिविंग चीज है जो के अंदर शिफ्ट हो रही है, लेकिन डेक्सटर इसे नहीं मानता क्योंकि 1834 से अब तक उस क्रेट में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। वो उस क्रेट को खोलते हैं और जैसे ही वो उसे खोलते हैं उसमें से कुछ आवाज आती है। माइक देखता है कि उसके अंदर कुछ बहुत ही भयानक था और वो माइक का हाथ पकड़ लेता है। डेक्सटर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो एप जैसा भयानक क्रिएचर उसे खा जाता है।
डेक्स्टर जल्दी से जान बचाकर वहां से भागता है और उसे मिलता है चार्ली जो कि एक पढ़ाकू स्टूडेंट था। डेक्स्टर उसे सब कुछ बता देता है जिस पे वो यकीन तो नहीं करता लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो खुद उसे चेक करने जाता है लेकिन वहां क्रेट थी ही नहीं, वहां सिर्फ खून था। चार्ली सोचता है कि डेक्स्टर ने माइक का मर्डर कर दिया लेकिन डेक्स्टर खुद ही बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो देखते हैं कि खून के निशान स्टेयरकेस तक जा रहे थे। डेक्स्टर समझ जाता है कि वो क्रिएचर वापस वहीं पर चला गया है। चार्ली वहां चेक करने जाता है और उसे मिलता है माइक का जूता जिसे बुरी तरह चबाया हुआ था। इससे उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। वो क्रेट के बिल्कुल पास पहुंच जाता है लेकिन वो क्रिएचर अंदर था ही नहीं क्योंकि वो बाहर था। वो चार्ली को भी दबोच लेता है और डेक्स्टर के सामने उसे भी खा जाता है। अब घबराया हुआ डेक्स्टर सीधा पहुंचता है अपने फ्रेंड हेनरी के पास। वो हेनरी को शुरू से लेकर सब कुछ बता देता है। ऐसा नहीं है कि हेनरी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता बल्कि उसकी बातों के बेसिस पर वो एक प्लान बना लेता है। वो डेक्स्टर को ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देता है जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ विल्मा के लिए एक नोट लिखता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज में जाकर वो उस क्रिएचर को नहीं पकड़ता बल्कि वो वहां से सारा खून साफ करने लगता है। उधर विल्मा भी घर पहुंच जाती है और उसे हेनरी का नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि डेक्स्टर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और वो उसकी मदद करने के लिए कॉलेज में जा रहा है लेकिन वो ये अकेला नहीं कर सकता। उसने विल्मा को भी कॉलेज बुलाया था। असल में उसका प्लान विल्मा से छुटकारा पाने का था। विल्मा एक अल्कोहलिक और बहुत ज्यादा एब्यूसिव थी। हेनरी हमेशा से उसे मारने के बारे में सोचता रहता था। उसे पता नहीं था कि कोई क्रिएचर सच में है या नहीं लेकिन अगर वो है और वो लोगों को खा रहा है तो वो विल्मा को उसे खिलाना चाहता था, इसलिए वो वहां से खून साफ कर रहा है ताकि विल्मा डर कर ना भागे। विल्मा भी कॉलेज पहुंच जाती है और उसके पहुंचने तक हेनरी सब कुछ साफ सुथरा कर चुका था। वो विल्मा को स्टेयरकेस के नीचे देखने के लिए कहता है और जैसे ही वो वहां जाती है वो उसे अंदर धकेल देता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो क्रिएचर आ जाए और उसे खा ले लेकिन वहां कोई भी नहीं आता और उसका ये अजीब बिहेवियर देखकर विल्मा भी हैरान थी। वो उसे फिर से अब्यूज करने लगती है और जो क्रिएचर हेनरी के चिल्लाने से भी नहीं आया था वो विल्मा की बकबक से पककर एक मिनट में ही आ जाता है और उसका किस्सा खत्म कर देता है। जब वो विल्मा को पूरी तरह खाकर फिर से क्रेट में चला जाता है तब हेनरी उस क्रेट को लॉक कर देता है और उसे ले जाकर एक लेक में फेंक देता है। अगली सुबह वो डेक्स्टर को सब कुछ सच सच बता देता है और डेक्स्टर भी अपना मुंह बंद रखने का वादा करता है। इस तरह वो विल्मा से छुटकारा पा लेता है लेकिन अभी भी डेक्स्टर को चिंता थी कि कहीं वो क्रेचर क्रेट से बाहर ना जाए जबकि हेनरी इस बात से बेफिक्र था। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रेट तोड़कर बाहर निकल चुका है और अब वो कितनों को खाएगा ये तो कोई नहीं जानता। और इसी थ्रिल के साथ ये टेल भी एंड हो जाती है। इस टेल के ऊपर भी कई सारे मीम्स बनते हैं क्योंकि वो क्रिएचर बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हॉरिफाइंग है और इंसान भी हमेशा से यही सोचता है कि शायद ऐसे क्रिएचर कहीं छुपकर रहते होंगे। बिगफुट और येती के बारे में तो सबने सुना ही होगा। कई लोगों का मानना है कि ऐसे क्रिएचर सच में हैं लेकिन उनका नेचर कैसा है ये कोई नहीं जानता। तो अपनी लास्ट टेल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दे आर क्रीपिंग अपॉन यू। हम देखते हैं अपसन प्रैट को जो कि एक क्रूल बिजनेसमैन है। अपसन को माइसोफोबिया है। माइसोफोबिया कंटेमिनेशन और जर्म्स के फियर को कहते हैं। माइसोफोबिया की वजह से अपसन एक सील्ड अपार्टमेंट में रहता है जो कि पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लेस है। बाहरी दुनिया से उसका कॉन्टैक्ट सिर्फ टेलीफोन्स की मदद से होता है। एक रात थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है और अचानक अपसन के अपार्टमेंट में कॉकरोचेस निकलने लगते हैं। उसे जो भी कॉकरोच दिखता वो उसे मार देता लेकिन उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। उसे हर जगह बस कॉकरोचेस दिख रहे थे, खाने में, पानी में, हर जगह, और ये सब उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि उसे माइसोफोबिया है। वो किसी तरह उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था तभी वहां सभी बिल्डिंग्स की पावर चली जाती है और इसी ब्लैकआउट के बीच उसके अपार्टमेंट में हजारों कॉकरोचेस आ जाते हैं जिनसे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल था। वो हर जगह फैल जाते हैं और उसकी हर एक चीज को गंदा कर देते हैं। ये उसका वर्स्ट फियर था जो कि बहुत बुरी तरह सच हो रहा था। वो खुद को एक सेफ रूम में बंद कर लेता है। उस रूम में किसी भी बग का आना नामुमकिन था लेकिन वो देखता है कि वहां भी कॉकरोचेस भरे पड़े थे। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता और इसी पैनिक के बीच उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जब लाइट आती है तो हम देखते हैं कि वहां एक भी कॉकरोच नहीं था क्योंकि सारे कॉकरोच अपसन के अंदर थे और वो उसे चीरफाड़ कर बाहर निकलने लगते हैं। अपसन की बहुत बुरी डेथ के साथ ये टेल भी एंड हो जाती है। इस स्टोरी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा बॉदर किया होगा जो कि साफ सफाई में यकीन रखते हैं। कॉकरोच से डरने वालों को तो किया ही होगा। खैर अब हम पहुंच जाते हैं वापस रियल वर्ल्ड में। सुबह दो गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं और बिली की कॉमिक बुक उठाकर पढ़ने लगते हैं। जिस आदमी ने हेडफोन्स लगाए हुए हैं इसका नाम है टॉम सवीनी और इस मूवी में आपने जितने भी स्पेशल इफेक्ट देखे चाहे वो फादर्स डे हो या क्रेट मॉन्स्टर या फिर वाटर ज़ॉम्बीज सब इसी आदमी का कमाल है, इसलिए इनका कैमियो तो बनता ही है। वो दोनों उस कॉमिक में एक वुडू डॉल की एड देखते हैं जिसे ऑलरेडी किसी ने रिडीम कर लिया था। उधर स्टैन को अचानक गर्दन में दर्द होने लगता है और गर्दन से यह दर्द उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब तक आपने गैस कर ही लिया होगा कि वो वुडू डॉल किसने रिडीम की है। जी हाँ, उसे रिडीम किया है बिली ने। वो हेल वाली बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया और बिली के रिवेंज के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी इतनी ज्यादा आइकॉनिक क्यों है वो तो आपने देख ही लिया। इसकी हर एक स्टोरी बहुत ज्यादा क्रीपी है और सारी स्टोरीज मिलकर इसे एक क्रीप शो बना देती है।
हर एक टेल में हमने एक नए क्रीप को देखा ही है। जॉर्डी और ऑप्शन भी क्रीप से कम नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा था, मूवी को पूरी तरह कॉमिक बुक वाली फील दी गई है, जो कि व्यूअर्स को और ज्यादा एंगेज करती है, स्पेशली इसके फिजिकल इफेक्ट्स। और मूवी में एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया गया है कि बच्चे हॉरर कॉमिक्स पढ़ने से नहीं बिगड़ते, बल्कि उनका बिगड़ना डिपेंड करता है पेरेंट्स के बिहेवियर पर। स्टैन बहुत ज्यादा एब्यूसिव था, वो बिली को मारता भी था और कहता था कि फादर्स को इसीलिए बनाया गया है। वो खुद ही बिली को ये सब सिखा रहा था और दोष डाल रहा था कॉमिक्स पर। तो इस मूवी का बजट था $8 मिलियन और इसने $21 मिलियन की कमाई की थी और ये उस साल की वार्नर ब्रॉस स्टूडियोज की हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म के रिलीज के बाद इसी नाम से एक कॉमिक बुक भी रिलीज की गई थी और इसमें यही सब स्टोरीज दिखाई गई थी। 1987 में इसका एक सीक्वल भी आया था जिसमें स्टीफन किंग की स्टोरीज दिखाई गई थी, लेकिन उसे जॉर्ज रोमेरो ने डायरेक्ट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उस मूवी का स्क्रीन प्ले दिया था। 2007 में इसका थर्ड पार्ट रिलीज हुआ था जिसमें ना तो स्टीफन किंग का कोई रोल था और ना ही जॉर्ज रोमेरो का। और 2019 में इसकी टीवी सीरीज को भी रिलीज किया गया था। ये थी इस फ्रेंचाइज की कंप्लीट डिटेल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सीक्वल भी लेकर आऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जॉर्ज रोमेरो ने बताया था कि इस मूवी का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट कॉकरोचेस थे। एक कॉकरोच 50 सेंट का था और मूवी में 2.5 लाख से ज्यादा कॉकरोचेस यूज किए गए थे, तो पूरे $125,000 सिर्फ कॉकरोचेस पर लगे थे। टेड डैनसन, जिन्होंने हैरी का रोल प्ले किया है, उन्होंने बताया था कि जब उन्हें ज़ॉम्बीज़ वाला सीक्वेंस शूट करना था तो सेट पर उनकी बेटी भी आई हुई थी और उन्हें चिंता थी कि वो अपनी बेटी को डरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी बेटी उनके पास आई और बड़े आराम से उन्हें हाय बोला। फिल्मिंग में ब्रेक के दौरान स्टीफन किंग अपने बेटे जो को मैकडॉनल्ड्स पर ले गए थे और मजाक के लिए उन्होंने जो के ऊपर नकली कर्स और ब्रूसेस बना रखे थे, जिन्हें देखकर वहां की एक एम्प्लॉई ने पुलिस को बुला लिया था। फादर्स डे में लाश के ऊपर जो कीड़े थे उनमें से कुछ राइस थे, लेकिन कुछ असली कीड़े भी थे। जॉर्डी की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मेकअप की वजह से स्टीफन किंग को एलर्जिक रिएक्शन हो गया था। स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो ने बताया था कि अगर इस फिल्म की फाइनल स्टोरी यानी कि दे आर क्रीपिंग अपॉन यू को फिल्म करने में ज्यादा मुश्किल आती तो उसे रिप्लेस कर देते स्टीफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी द हिचहाइकर से, फिर वो इस फिल्म की फाइनल टेल होती। अब वो स्टोरी इस फिल्म का हिस्सा तो नहीं बन पाई, लेकिन उसे क्रीप शो 2 की फाइनल स्टोरी बना दिया गया। स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो काफी अच्छे दोस्त थे और वो हमेशा से एक साथ काम करना चाहते थे। उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली और वो दोनों इसके लिए राजी हो गए। द लोनसम डेथ ऑफ जॉर्डी वेलकैंड में एक साइन पोस्ट पर आप पोर्टलैंड लिखा हुआ देख सकते हो। स्टीफन का जन्म पोर्टलैंड में ही हुआ था, साथ ही वहां पर कासल रॉक भी लिखा हुआ है जो कि स्टीफन किंग का ही फिक्शनल टाउन है। वो अपनी नाउस में क्रॉसओवर वाला काम करते रहते हैं। समथिंग टू टाइड यू ओवर स्टीफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी द लैच से बहुत ज्यादा मिलती है और द लैच को कैरसाई मूवी में दिखाया गया है। जिस क्रेडिट में वो क्रिएचर बंद था उसके ऊपर लिखा था शिप टू जूली कारपेंटर फ्रॉम आर्टिक। ये होमेज है जॉन कारपेंटर की फिल्म द थिंग को, जो कि एंटार्क्टिक में ही सेट है। वार्नर ब्रोस से डील करने के लिए इस मूवी में से 10 मिनट के सीन को काटना पड़ा था। स्टार्टिंग सीन में जब स्टैन बिली को थप्पड़ मारता है तो आप स्लो मोशन में देख सकते हो कि तब स्टैन नहीं बल्कि बिली खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारता है। ये सीन स्टीफन किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। नेथन के टूम्सन से पता चलता है कि उसका जन्म 1978 में हुआ था और डेथ हुई थी 1972 में। ये जॉर्ज रोमेरो की इकलौती फिल्म है जो कि बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही थी। क्रेट के क्रेचर का ऑन सेट नाम फ्लफी था और जो क्रीप आपने विंडो पर देखा था उसका नाम रॉल था। फाइनल टेल के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऑप्शन एक आलिशान घर में रहने वाला था, लेकिन कॉकरोचेस की वजह से चेंज करना पड़ा। जॉर्ज रोमेरो ने एक हॉस्पिटल टाइप रूम चुना ताकि कॉकरोचेस ठीक से दिख पाए। तो ये थे सुन से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा फर्स्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको कुछ हॉरर मीम्स भी देखने को मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।